तुम कौन हो नोरा? कहां से आई हो यहां? कहां पैदा हुई? कहां उम्र गुजारी? और अचानक कैसे आ गई मेरे सामने? किसने भेजा है तुम्हें? या मेरे रब ने कोई तोहफा भेजा है मेरे लिए? मैं तुम्हारा नाम रखना चाहता हूं। खुशी होगी। आज के बाद से तुम्हारा नाम है अफसून। अफसून का मतलब क्या है? यानी सहर तराज, मतलब जादू। एक जादू हो तुम, हसीन। आज नहीं तो कल वो तुम्हारा एक नाम रखेगा। उस वक्त उसे ये कहना कि मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ तुम्हारी तरह। उसे बताना तुम जिस पर ईमान रखते हो मैं उस पर ईमान लाना चाहती हूँ, और तुम जिस किबले की तरफ सर झुकाते हो उसी किबले की तरफ सर झुकाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी तरह अल्लाह पर ईमान लाना चाहती हूँ। नाम पसंद नहीं आया तुम्हें? पसंद आया, बहुत ज्यादा। शहजादे, आप जिस पर ईमान रखते हैं मैं भी उस पर ईमान लाना चाहती हूँ। आप जिस तरफ सर झुकाते हैं मैं भी उसी तरफ सर झुकाना चाहती हूँ। मैं आपके अल्लाह पर ईमान लाना चाहती हूँ। मुसलमान होना चाहती हूँ? अफसोस, अफसोस। निगार खातून, निगार खातून। निगार खातून नहीं होगी, वो किसी से मिलने गई होगी। क्या कह रहे हो मदरक जी, किससे मिलने? मुकर्रब खास। इससे बाजार में मुलाकात हुई, इसे इस हालत में देखा तो मैं घर ले आया। या अल्लाह, मैं संभाल लूंगी इन्हें बाली साहब, शुक्रिया। कहां से आ रही हो तुम इस वक्त? महल गई हुई थी मैं, कुछ काम थे वहां। अच्छा, क्या आपके पास कोई जवाब है मेरे लिए? कौन फैसले करता है हमारी तकदीरों के? क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक इंसाफ परवर बादशाह हूं और मैं कभी भी गलती नहीं करता? हुरम सुल्तान को रोकते कि नहीं आप? क्यों उनके फैसलों की भेंट चढ़ा रहे हैं आप हमें? मैं गुस्से में आ गया था वाकई। मैं अपने ही खून मुस्तफा को नुकसान पहुंचाने वाला था, डर गया था अपने गुस्से से। मैं अपने वालिद की तरह अपनी ही औलाद को जहर नहीं देना चाहता। बिल्कुल मुस्तफा, हम भी शरत शावी वगैरह सारी दुआ का अब
अपने साथ हमेशा दूसरा हथियार भी रखा करो मुस्तफा। तुम्हें जवान और ताकतवर देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन बाज औकात तुम्हें देखकर मुझे बहुत दुख भी होता है। मजबूत और जवान होते हुए तुम अपनी मासूमियत खो रहे हो। एक शादीशुदा औरत को रात देर से क्यों भेजते हो? हरम में दूसरी कनीजें नहीं है क्या? निगार काल्फा को इतनी देर से क्यों छुट्टी दी तुमने? हाय मुकर्रबे खास, ये भला कैसे हो सकता है? देर से भेजना कैसा? निगार काल्फा तो कल महल में ही नहीं आई। क्या यकीन है तुम्हें सुम्बुल? अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं सुबह एक चक्कर लगाया था, ताया खातून से मिलने आई थी, बाद में चली गई। गई इसलिए कि छुट्टी थी कल उसकी। शहजादे मुस्तफा को खबर दो, मालूम है जुमे की नमाज के लिए जाना है। जी जनाब। अफसोस। सुबह बखैर शहजादे। तुम्हें भी। जल्दी उठ गई, नींद नहीं आई क्या? देखती रही आपको, चेहरा तकती रही, जब भी आंखें बंद हो तो सामने आपको देखना चाहती हूँ। मोहतरम शहजादे, क्या बात है सुम्बल आगा? जुम्मे की नमाज के लिए आपका इंतजार हो रहा है शहजादे। पाशा। बाली साहब, शहजादे मुस्तफा नहीं आए क्या अब तक? सुम्बल आगा से बुलवाया है उन्हें, आने वाले होंगे। मतरकची से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ पाशा, कल रात वो फिर बाजार में पड़ा था, मैं उसे उठाकर घर ले गया। वहां देखा कि निगार खातून घर में नहीं थी, बाद में आई तो बताया कि महल से आ रही हूं। मैंने गुस्सा किया कि शादीशुदा औरत को क्यों देर से भेजते हो, तो सुम्बुल ने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरा खून जम गया। क्या बात थी वो? वो कल सारा दिन छुट्टी पर थी, उसने मुझसे झूठ बोला। यकीनन कोई ना कोई मजबूरी होगी, अलावा इसके हम इस मसले में ना पड़े तो हमारे लिए बेहतर होगा। पाशा मोहतरम, शहजादे मुस्तफा कहाँ रह गए सुम्बुल आगा? मेरे आका। माल कोचू, नमाज जुमा के लिए तैयार है आका। मुस्तफा नहीं जाएगा नमाज के लिए। मोहतरम पाशा, हाँ आप इजाजत दें तो फालदे सुल्तान से जाकर कहता हूँ, क्योंकि वो किसी और की बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। मैं जाकर देखता हूँ सुम्बुल आगा। आप कैसे जाएंगे पाशा, कतई मना है। हाय मेरे अल्लाह, रहम फरमा मेरे मालिक। बादब।
पाशा, पाशा मोहतरम सुनिए तो सही। मलिका, क्या अब तक कोई खबर नहीं मिली? शहजादे मुस्तफा अब तक कमरे में बंद है। क्या इब्राहिम पाशा पहुंच गए? पहुंच गए, लेकिन क्या हुआ ये नहीं मालूम। या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे को बचाना। पागल हो गया ये लड़का, जानबूझकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इब्राहिम पाशा, तुम जाओ बाहर। उठो चलो, तैयार हो, देर हो रही है। आप मुझे इस तरह हुक्म नहीं दे सकते। जरूरत पड़ने पर दे सकता हूं शहजादे। वो क्यों जानते हो तुम? तुम्हें हर तरह के शर से बचाने की कसम खाई है मैंने, सिर्फ तुम्हारी खातिर। क्या कर रही हो तुम अभी तक यहाँ पर? हूँ, क्या हो गया आगा? कयामत आ गई है, मत पूछो। चलो जाओ साहिब में। और सुनो, यहाँ जो कुछ भी हुआ किसी से जिक्र नहीं करना। अगर किसी से कुछ कहा तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूं तुम्हारी जबान काट दूंगा मैं। चलो जाओ। पहनो इसे फौरन, चलना ही होगा। आप जाइए पाशा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें आना पड़ेगा मुस्तफा। उठो फौरन पाशा। तुमसे कह रहा हूं उठो तुम। आखिर क्या तकलीफ है तुम्हें? अपना सर कटवाना चाहते हो क्या तुम? क्या कोई मेरे साथ ऐसा कर सकता है पाशा? किसमें जरूरत है? कोई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा होने की दुआ मांगने वालों को एक मौका दे रहे हो तुम। अकल को जरा इस्तेमाल करो मुस्तफा। तुम्हारे सामने पापा नहीं, सुल्तान सुलेमान खान अली कदर है। बच्चे नहीं हो तुम आप। दौरे मासूमियत खत्म। एक शहजादे होने की वजह से तुम वली अहद नामजद हुए हो। तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी तमाम जिंदगी की जमानत है। इस वक्त किया जाने वाला फैसला तुम्हारी बात की जिंदगी का तायुन करेगा। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मलिका, क्या हुआ? शहजादे की कोई खबर है क्या? वो अपने कमरे से बाहर नहीं आए मलिका, लेकिन इब्राहिम पाशा ने क्या हुआ उसे हरम में दाखिल होकर शहजादे के कमरे में चले गए अचानक। क्या इब्राहिम पाशा, वो कैसे आ सकता है हरम में? अल्लाह दाखिल हो गए, नौरा खातून ने यही बताया है। इब्राहिम उसे लेकर जाएगा यकीनन। शहजादे आए नहीं अभी तक। कोई बदमस्की हुई है सुनने में आया है। वो अभी कल तो आए हैं, हवाओं में उड़ रहे हैं शहजादे मुस्तफा।
बाली साहब। हुक्म कीजिए आका। चलना है। आप फरमाएं तो शहजादे को देखा हूं मैं। जरूरत नहीं। जैसे आपका हुक्म। आका माफी चाहता हूं, वालिदा सुल्तान की दस्तबूसी के बगैर नहीं आना चाहता था मैं। आला चले अब। नसुआ फंदी, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको? निगार खातून, निगार खातून फौरन यहां है। क्या इसका मतलब जानती हैं? मुझे लोग दलाल कह रहे हैं। इस घर में हराम काम हो रहा है, इसका मतलब यह है। मुझे ताना दिया गया है। मैंने क्या खुद लगाया इसे अपने घर पर? आपसे पूछता हूं मैं, बताइए मुझे आखिर कौन सा गुनाह किया है मैंने? बताइए मुझे। ऐसे आंसू बहाकर मुझसे माफी मांगने की कोशिश मत करें। निसा खातून, नौरा खातून, क्या कर रही हो वहां? इधर आओ फौरन, कतार में लगो। नौरा नहीं है अब मेरा नाम, मुझे अब अफसू कहकर बुलाया जाए। किस लिए बदला? शहजादे ने रखा है मेरा नाम, मुसलमान हो चुकी हूं। ऐसा है तो अफसू खातून, आप सब दरसगाह चले जल्दी। चलो शाबाश। फातिमा फिदान, कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ? दाया खातून वो हम। मैं लाई हूँ दाया खातून, कोई मसला है क्या? हाँ बिल्कुल, किससे पूछकर लाई हूँ तुम्हें नहीं यहाँ? इन्हें सजा मिली थी, वालदे सुल्तान ने हुक्म दिया था और मैं लेकर आ गई। अगर आपको कोई शिकायत है उसके लिए वालदे सुल्तान से मिलना होगा। फातिमा खातून माहिद और सुल्तान की खिदमत में होंगी आज से, और फिदान खातून आज से हरम की काल्फा होंगी, ये हुक्म दिया है। क्या वाकई जा रही हैं आप? जी हाँ, मुझे जाने की इजाजत आका ने आपके सामने ही तो दी थी। अल्लाह ने चाहा तो कल रवाना हो जाऊंगी मैं। कोई मजबूरी तो नहीं है ना?
यानी जाना चाहती हैं आप? जी बिल्कुल। ये क्यों पूछ रही हैं? मालूम नहीं, लेकिन मैं काफी अरसे से आपको परेशानी में देख रही हूँ, जैसे आप यहाँ से जाना ना चाहती हो। ऐसा तो कुछ नहीं, मैं बाली साहब को खबर है क्या? मालूम नहीं, जानते ही होंगे। यकीनन वो बहुत उदास होंगे। किस लिए उदास होंगे? बाली साहब आपको पसंद करते हैं मालूम है ना, आपकी खामोश मोहब्बत में गिरफ्तार हैं वो। कैसे? क्या उन्होंने खुद बताया आपको? ऐसी बातें कही नहीं जाती, और वो भी हरम में। अफसोस, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। चले खैर, अब मैं हमाम जाऊंगी, आप जाना पसंद करेंगी? क्यों नहीं मलिका। वालिदे सुल्तान ने जरूरी तैयारी का हुक्म दिया है। قال اي بي خاتون بروم بويه خير اسمولي بك اقدرنين قبل ما رخصتي رويشنين با اي بي خاتون داوا اما دكاري شي بوكرا وسبيده قرتو سبيده قرتو بو شاركي خوين ويتو خا ام شو تشي اكيد خو حافظ لهم وانك مالي خانش لبير نكيت لاني كان بو اوه دبي مالاوائي كيلب كيت راست زور بي ماو من دوبوا بلان بمشوه مچن من خوم جلك تان بو دينم پيويس نكا من اوه هستودم گوه بو قصي من بگره कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत? वालिदा सुल्तान ने हुक्म देके बुलाया है, मैं क्या करूँ? तुमने मुझे जलाया था, जिसने मुझे मारना चाहा था वो तुम ही थी। मलिका, मलिका खुदारा छोड़ दे। मलिका मत करे, छोड़ दे मलिका, ऐसा मत करे। लेकिन तो उसे पर दाया, क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे आ सकती है वो यहाँ? बहुत मुश्किल से जान छूटी है। इब्राहिम पाशा सलामत रहे, जाकर उन्हें जबरदस्ती कमरे से निकाल लाए, कोई चारा भी नहीं था, अच्छा किया। वालिदा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, तुम्हें याद नहीं? कुछ देर पहले कनीजों में से फातिमा और फिदान को देखा, उन्होंने कहा कि उन्हें आपने बुलाया है हरम में, क्या ये सच है? किसी और तरह उनका आना मुमकिन है क्या? ऐसा आप कैसे कर सकती हैं? जिसने मुझे जलाने की कोशिश की उसे हरम में बुला लिया, उनको तो सजा दी थी ना आपने? सजा पूरी हो गई हुरम, खत्म हो गई। फातिमा का सर काटने की जरूरत थी, मगर हिफाजत की जा रही है उसकी। ऊपर से माहिदौरा सुल्तान की खात्मा मुकरर किया जा रहा है, लालाजार खातून की जुबान कटवाने वाली फिदान थी, उसे हरम की काल्फा बनाया जा रहा है। अगर आप ऐसा करेंगी तो फिर ये आपकी आखिरी साजिश होगी वालिदा, ऐसा करके आप बर्बाद कर रही हैं खुद को। मलिका, शहजादे मुस्तफा ने नौरा को अफसू नाम दिया है, वो मुसलमान हो गई है। मेरे ख्याल से आज शब भी वो शहजादे के पास जाएगी। मुस्तफा अभी ना तजर्बेकार है, एक औरत पर इस कदर फरेफ्ता होना मुनासिब नहीं। मेरी भी कुछ ऐसी ही राय है इस बारे में मलिका, इसी वजह से आपको आगाह कर दिया। जरा बुलाओ उस खातून को, देखती हूँ उसके जज्बे में कितनी गहराई है। आका, मुझे अपनी गुस्ताखी का एहसास है, माफी चाहता हूं, मुझ पर गुस्सा करना आपका हक है। मुस्तफा, मुझे सिर्फ अपने दुश्मन पर गुस्सा आता है,
तुम तो मेरी औलाद हो। मेरी नीयत आपके मुकाबले आने की ना थी, और मैं ये भी इतराफ करता हूं कि मैंने दुख पहुंचाया है आपको। मैं अपने उस रवैये की वजह से बहुत शर्मिंदा हूं आपसे। हर इंसान की जिंदगी में उम्मीदें, ख्वाहिशात और तवक्कुआत होती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन गुस्सा करने से, नाराजगी से तुम्हें कभी दुख सुख का साथी नहीं मिल सकता। परेशानी में खामोश नहीं रहना चाहिए, अपने दुख को बोझ नहीं बनाना चाहिए, इजहार कर देना चाहिए। मैं हर लम्हा तुम्हें सुनने के लिए तैयार हूं। चलो खेल खेलते हैं, बहुत सालों से नहीं खेला। नौरा खातून। नौरा मत कहना गुलशा खातून, अब मेरा नाम अफसू है, शहजादे ने रखा है ये नाम। अफसू हो, शुक्र है बस नाम रखा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुमने कैसा जादू किया है शहजादे पर मालूम नहीं। खैर छोड़ो इसे और चलो मेरे साथ। क्या हुआ, कहाँ ले जाओगी? माहिदौरा सुल्तान ने तुम्हें बुलवाया है, तुम्हें उनके पास चलना है। माहिदौरा सुल्तान ने बुलवाया है, क्या वजह है? कोई गुस्ताखी हुई क्या मुझसे? बहुत सवाल करती हो खातून, तुम्हें जो कह रही हूँ वो करो, जाओगी तो मालूम हो जाएगी वजह। इंतजार करवा कर गुस्सा मत दिलाओ मलिका को। गुलशा खातून मुझे गालिबन मेरी जुबान तुम्हें समझ नहीं आती। चलो जल्दी, मेरा दिमाग और मत खराब करो अब, चलो। आका आओ पार गली, शहजादे ने मुझे मुश्किल में डाल दिया है। आपको मात दी तो हैरत नहीं होगी। मुस्तफा दोबारा वियाना पर लश्कर कशी चाहता है, शाकलेन से उसका तख्त छीन लेना चाहिए, क्या ख्याल है? ले घर है बदानिशत, मेहरबानी से किसी को तो तख्त का मालिक रहने दे। मगरिब की आखिरी सरहदों तक रसाई पा चुके हैं हम, दुनिया भर ने देख लिया है और समझ लिया है सिर्फ एक ही शहंशाह है और वो मैं हूं। अब मशरकी इलाका हमारा नया हदफ होगा। दियारे अजम के शेर दिलों से हमारा झगड़ा कदीम है, खत्म नहीं हुआ अब तक, कदीम जमाने से हम दुश्मन हैं। जिस झगड़े को मेरे बाबा नहीं निपटा सके, मैं निपटाना चाहता हूं उसे। मेरे आका माजरत से एक अर्ज करना चाहूंगा, मेरे ख्याल में बहरुल काहिल की दूसरी जानब चलते हैं, उस रास्ते से कदीम नवादरात और माले गनीमत से भरे भैरी जहाज गुजरते हैं। अगर हम निसफ जहां के हुक्मरान हैं तो उस दौलत को भी हासिल करना चाहिए। क्या राय है मुस्तफा? आका मैं इस फैसले से मुत्तफिक हूं, आप इब्राहिम पाशा के साथ मशरक की तरफ जाएं, वहां फतूहात हासिल करें ताकि मशरकी इलाका भी तुर्क सल्तनत में आ जाए, और मैं बहरुल काहिल का रुख करता हूं अपने बहरी बेड़ों के साथ। हम दो तरफ से दुनिया फतह करते हैं। अहले खाना का ताल्लुक क्रोशिया से है, एक साल भी नहीं हुआ तख्त पाया मैं पहले पुराने महल में रहती थी। हरम के कायदे कानून है, यकीनन तुम्हें समझाए गए होंगे, लेकिन मैं उन्हें दोहराना चाहती हूँ। कोई भी शहजादा फने हर्बसी के बगैर ना शादी कर सकता है और ना ही उसकी औलाद हो सकती है। जानती हूँ मलिका, आप फिक्र ना करें, मैं सिर्फ शहजादे की आसूदगी के लिए हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है। एहतियात करना अफसू, एक छोटी सी गलती की सजा बहुत सख्त होगी, याद रखना। हैरत है वाकई, तुम दोनों की जान कैसे बच गई? दोबारा कैसे वापस आ गई हरम में? वालदाए सुल्तान सलामत रहे, उन्होंने हमें माफ कर दिया। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं,
हुरम सुल्तान को जला दिया जाए और सजा ना दी जाए, ये नहीं हो सकता। हम शायद इस खेल में आला कार बन गए। निसा खातून, अपनी औकात से बड़ी बातों में दखल मत दो। वालदा ने यही मुनासिब समझा क्या तुमसे पूछती? ऐसा ही है, हमने अपनी सजा पूरी कर ली, शर्मिंदा भी है। हुरम सुल्तान ने माफ कर दिया, शुक्र है। अच्छा तो हुरम सुल्तान, उन्होंने देखा है तुम्हें? देख लिया बिल्कुल, वो हमसे बहुत डर गई थी, फौरन वालदा के पास भागी। दोबारा फसाद फैलाने आई हो क्या? जो जुर्म तुमने किया है वो कभी नहीं भूलेंगी मलिका। खामोश नहीं रह सकती, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। हुरम सुल्तान को झुकना पड़ेगा हमारे सामने। मेरे ख्याल से ये इतना आसान नहीं है, इतनी बड़ी मलिका तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी, वो जरूर तुमसे हिसाब लेंगी। याद रखो हुरम सुल्तान है वो भूलती नहीं है कुछ भी, वो कभी तुम्हें यहाँ बसने नहीं देंगी। शाम होने से पहले रवाना कर दी जाओगी। बहुत चलती है तुम्हारी जबान, हाथ तो लगाओ फिर देखो क्या करती हूँ मैं। फातिमा छोड़ो, रहने दो बस। निसा, यहाँ से दफा हो जाओ तुम भी, कहीं कोई आफत ना आन गिरे हम पे। किसी आफत से कम नहीं हो तुम भी। तुम आखिर रात को सो कैसे लेती हो, ये हैरत है मुझको। निगार खातून, बोले सुम्बुलागा। इधर आओ, सर कुछ कहना है तुमसे। क्या हो गया सुम्बुलागा, तुम्हें मसरूफ हूँ मैं, बाद में आती हूँ तुम्हारे पास। तुम्हें बताओ मैं खजीना सुल्तान से जाकर क्या कहूँगा अब कि निगार खातून काम में मसरूफ है और वो बाद में तशरीफ लाएगी। तौबा तौबा, खजीना सुल्तान ने बुलाया है? तुम्हें फौरन बुलवाया है शहजादी ने, लिहाजा सब काम छोड़कर फौरन आ जाओ मेरे साथ। क्या हुआ, रंग क्यों सफेद हो गया तुम्हारा एकदम? तुम्हारा इससे क्या काम, सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। पर क्या मसला है? कोई भी मालूमात नहीं है कसम से मुझको। तुम्हें परेशान देख के लगता है फिर से कोई ना कोई गलती की है तुमने। खबर लाने वाले आगा ने बताया शहजादी तेज गुस्से में है, बस इसलिए फौरन बुलाया है। गुस्से में है पर क्यों, बताओ मुझे। अभी तक यही पूछ रही हो? चलो जल्दी जल्दी उड़कर जाओ, बिल्कुल अबाबील की तरह। जबान मत चलाओ ज्यादा, जबान दराज, काम पर तवज्जो दो अपने। मुझे देख रहे हो तो मैं यहाँ हूँ मालकुचू। आईबी के खातून, क्या लिबास अच्छा नहीं है मेरा? ये बिल्कुल भी नहीं आया मुझे पसंद, कैसा लगा तुम्हें? नहीं बल्कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपको देखकर तो मैं दंग रह गया। अच्छा लगा ना? ये मैंने तुम्हारे लिए पहना है मालकोचू, क्योंकि मैं अलविदा कहने आई हूं। मैं कल जानता हूं, खबर मिल गई, मुबारक, आखिरकार आका को मनाने में कामयाब हो ही गई। अच्छा हुआ ना, छूट गई जान तुम्हारी। लगता है कि शहजादा उस कनीज का कुछ ज्यादा ही गर्विदा हो गया है। अगर नाम मफसूम रखा है तो यही मतलब है। क्या करना चाहिए वालिदा, आपसे मशवरा लेना चाहती थी। उसे इब्तदाई में रोक लेना चाहिए माहिदौरा, शहजादे का मुस्तकबिल ज्यादा अहम है। एक मामूली कनीज को इतना सर चढ़ाने की हर किस इजाजत ना दो। मालूम ही है हुरम भी ऐसे ही आई थी हमारी जिंदगी में। यकीन करें मैं इसी वजह से खौफ जदा हूं, हमें जल्द अज जल्द कुछ करना होगा इसके लिए।
क्या तुम्हारे जहन में कुछ है? जी बिल्कुल वालिदा, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो। क्या है वो? क्या कुछ कहोगे? नहीं, क्या कह सकता हूं मैं। आपका जाना ठीक है, मगर आपके जाने के बाद क्या होगा? अगर ये परेशानी है तो पुरसकून रहो, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। आईबीके में कुछ भी नहीं करता बेखबर रहते हुए किसी भी अंजाम से, लेकिन वो एक गलती थी आपके ना चाहते हुए भी। कैसे समझ लिया कि मैं नहीं चाहती? खुदा हाफिज मालकोचू। शहजादी, आपने मुझे याद किया? आओ निगार, बैठो यहां। मैंने सुना है कि नसू अफंदी और तुम्हारे दरमियान कोई मसला चल रहा है। मालूम है तुम दोनों की शादी का फैसला मैंने किया, इसलिए किसी भी किस्म की परेशानी में तकलीफ में तुम्हारा साथ देना चाहती हूं। बताओ मुझे क्या है मसला? शहजादी, मैं। घबराओ नहीं निगार, बताओ। शहजादी, मैं कभी मां नहीं बन सकती। नसू अफंदी भी इसी वजह से मुस्तरब है। बहुत दुआएं मांगी, बहुत कोशिशें भी की हमने, मगर कोई हल ना निकल सका। शहजादी, यार पिछले दिनों शिकार पर गया, वहां एक हिरनी पकड़ी। एक तरफ 3 सींग थे, दूसरी तरफ 5 सींग। ये बड़े बड़े सीन थे। ऐसी हिरनी फिर कभी नहीं देखी। हाँ क्या बकवास कर रहे हो बेगैरत? तुम जो कह रहे मेरे सामने कहो ना। ए जा, ये झूठ नहीं क्या? खुश तो मुश्किल ना दे मेरी हिम्मत चिपके नहीं जा। दुखी ना हो निगार, मैं नसू अफंदी से बात करूंगी। सलामत रहे शहजादी। पाशा, मैं इजाजत चाहती हूं। शहजादी, इस औरत का यहां क्या काम शहजादी? मैंने बुलाया था। नसू अफंदी और उसके दरमियान इख्तिलाफ का सुनकर मालूम करना चाहा। कुछ भी हो, हमने शादी करवाई थी, उनकी मदद भी करनी चाहिए। बच्चा नहीं हो रहा, ये है परेशानी की वजह।
میرے آقا معذرت چاہتا ہوں. کہو مالکوچو. معلوم ہی ہے آئی بی کے خاتون آج کرم روانہ ہو رہی ہیں، انہیں بندرگاہ تک چھوڑنے کے لیے آپ سے اجازت درکار ہے. مناسب ہے مالکوچو، تم جا سکتے ہو. کاش کہ آئی بی کے نہ چاہتے، اس محل میں میری ہمدرد صرف وہی تھی، بہت حوصلہ دیا اس نے مجھے. آئی بیگے کا حق بنتا ہے، وہ طویل عرصے سے اپنے اہل خانہ سے دور ہے. کام کیسا چل رہا ہے پاشا؟ آپ کام نہ چھوڑو. فکر نہ کریں پاشا، انہیں پہلے جیسا کر دوں گا. ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں. کیا تم صرف کلیساؤں میں ہی کام کرتے رہے ہو؟ جی ہاں. کبھی بنائے ہیں ایسے مجسمے؟ ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا پاشا، لیکن کوشش کروں گا. میں اپنا مجسمہ بنوانا چاہتا ہوں، بنا سکو گے تم؟ میں کوشش کروں گا پاشا. پہلے اسے مکمل کر لو سارا، بعد میں بات کرتے ہیں. سب ٹھیک تو ہے مطلب جی؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے پاشا. یہ میرے گھر کے دروازے پر لٹکا دیے گئے ہیں پاشا، ہر آنے جانے والا مذاق اڑاتا ہے میرا. بازار میں میری توہین کی گئی، میرا وقار اور عزت مٹی میں ملا دی. بہت ہو چکا پاشا، اور برداشت نہیں ہوتا مجھ سے. اس مسئلے کا حل آپ نکالیں یا پھر میں. والدہ، مجھے یاد کیا ہے آپ نے؟ آؤ آئے بیگے، بیٹھو نا یہاں. آخر واپس جا رہی ہو تم؟ جی ہاں، یہاں الوداع کہنے کے لیے آئی تھی میں. کیا ہوا والدہ؟ دراصل میں بھی اسی موضوع پر بات کرنا چاہتی تھی تم سے. آئے بیگے، کہیں نہیں جا رہی تم. شہزادے نے سمندر کا ذکر سنا تو جذباتی ہو گیا، بس چلتا تو فوراً روانہ ہو جاتا. میرے خیال میں جانا چاہیے، اس کے جنگ پہ جانے کا وقت آ گیا ہے، بلکہ گزر بھی چکا ہے. ابھی نہیں. آپ جب اس کی عمر کے تھے تب کہاں تھے؟ جنگ میں بابا کے ساتھ مارکوں میں شریک ہوتا تھا. مطلب کہ اس کا وقت بھی آ گیا ہے. میرے خیال میں اسے بھیج دینا چاہیے. ہورم، جن باتوں سے تعلق نہ ہو اس موضوع کو مت چھیڑا کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے والدہ؟ آقا سے اجازت لے لی ہے میں نے، تیاری ہو چکی ہے. تمہارے اہل خانہ بلکہ پوری سلطنت کے لیے ایک نیک فیصلہ کیا ہے، اور ہمارے خاندان کے لیے بھی یہ اہم فیصلہ ہوگا. مصطفیٰ تم بھی سنو. سن رہا ہوں والدہ. مصطفیٰ میرے دلیر پسرزادے، تمہاری اور آئے بیگی کی شادی کا فیصلہ کیا ہے میں نے، یہ سب کے لیے خوشی کا باعث ہوگا. والدہ مگر ہم دونوں تو بہن بھائی کی طرح ہیں. والدہ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے شہزادہ مصطفیٰ کے لائق سمجھا، مگر شہزادے ٹھیک کہہ رہے ہیں، شادی کی اس بات نے مجھے حیران کر دیا ہے. میری کرم روانگی کے وقت اچانک کی بات کہاں سے آ گئی والدہ؟ تم کیا کرو گے مطرق جی، کیسے حل ہو گئے مسئلہ؟ مجھے دھمکی دے رہے ہو کیا؟ پاشا، میری عزت و ناموس پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، میں اس کی خاطر مرنے کو تیار ہوں، اور اس کا حل بھی یہی ہے. پاشا اب اسے ختم کریں،
वरना मैं खत्म कर लूंगा अपनी जिंदगी। अगर सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है तो हल निकालना पड़ेगा। फिक्र ना करो, फिलहाल जाओ यहां से। खजीना सुल्तान तुम्हें देखना नहीं यहां पे। इब्राहिम, क्या हो रहा है? मेरी प्यारी भतीजी, दो बहुत अजीम खानदानों में दोस्ती और खून का रिश्ता बहुत पुराना है और हमेशा रहेगा। मालूम है, मैं भी तुम्हारी तरह किरम से आई थी। अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। मोहतरम सुल्तान सलीम खान से निकाह के वक्त मैं तुमसे भी छोटी थी, वो भी उस वक्त शहजादे थे और बाद में जहां के बादशाह बने, बिल्कुल मेरे पिसर सुल्तान सुलेमान की तरह। मेरे पिसर जादे मुस्तफा के लिए भी ये फैसला अमन और सलामती का बायस होगा। आमीन। इस वजह से शहजादे के साथ तुम्हारा रिश्ता अज़दवाज निहायत अहम होगा। ये बात मद्देनजर रखते हुए इसकी कबूलियत हम सब के लिए बहुत खुशियां लाएगी। मुझे भी इसमें कोई शक नहीं है वालिदा, वक्त के साथ ये फैसला खुशगवार साबित होगा, मुझे इस बात का यकीन है। ये फैसला किसने किया है वालिदा? क्या आका को मालूम है ये बात? मैंने यही मुनासिब समझा मुस्तफा। मैं खिड़की से देख रही थी, मुझे लगा तल कलामी हो रही हो जैसे। क्या है मसला? कुछ नहीं, नसुआ अफंदी ने निगार काल्फा को तलाक दे दी है। क्या ये सच है? जी ऐसा ही है शहजादी। वो मां नहीं बन सकती इसलिए? उजलत किस बात की नसुआ फंदी? उम्मीद मत हारो तुम लोग, अभी सारी जिंदगी पड़ी है। रब यकीनन आपको औलाद से नवाजेगा और ये मुश्किल हल हो सकती है। अगर जरूरत पड़ी तो शिफाखाने से सबसे काबिल तबीबा बुलवाएंगे। शहजादी, काफी इंतजार किया, औलाद का बाप बनना मेरा हक है। माजरत को कबूल करें। मैं मत, मेरा दिल कर रहा है थोड़ा बाहर चले। नहीं, मैं सबक याद कर रहा हूँ, तुम भी बैठ के सबक याद करो। उफ। आई बेगे खातून खुशामदीद। खुर्रम सुल्तान मौजूद नहीं है? वो यहाँ नहीं है। अम्मी आ जाएंगी, आप बैठकर इंतजार कर लें। आ जाएं। क्या आप रोई हैं? तुम्हें ऐसा लग रहा है मेहरमा? ऐसी बात नहीं है, मैं रोई नहीं हूँ बिल्कुल। किसने रुलाया आपको? मुझे बताएं, मैं उसको सजा दूंगा। आई बेगे मलिका,
आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? मुकर्रब खास, वालिदा सुल्तान ने फरमाया है कि आईबी के खातून नहीं जा पाएंगी। क्यों? क्या वो बाद में जाएंगी? जी नहीं, वालिदा सुल्तान ने उन्हें जाने से मना कर दिया है, इसलिए आईबी के खातून किरम वापस नहीं जाएंगी। सबब क्या है, जा क्यों नहीं रही? इसका तो मुझे बिल्कुल नहीं मालूम, मुझे तो यही बताया गया है बस। आखिर ये कैसा महल है, मुझसे तो पूछ लेते कि मैं राजी हूं या नहीं। मुस्तफा ने क्या जवाब दिया? क्या वो भी चाहता है? नहीं, वो भी हैरान रह गया मेरी तरह। फिर आप क्यों परेशान होती हैं? खुद को अजियत ना दें, ये फैसला हरफे आखिर तो नहीं। बिल्कुल है, वालिदा फैसला कर चुकी है। ये नहीं हो सकता, और जबकि आपके दिल में कोई और बसा हुआ है तो मैं इसकी इजाजत कैसे दे सकती हूँ? ये कभी नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। मलिका, कतन मत शर्माए और झुझके भी मत, आप गलत नहीं कर रही कुछ, इश्क पर यकीन रखिए अपने, तो फिर कोई भी कुव्वत आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। मैं भी आपका साथ दूंगी। एतमाद रखे मुझ पे, सब कुछ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। मैं रामन वालदे सुल्तान के सामने खामोश रहा, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। आप किस तरह मेरे लिए ऐसा फैसला कर सकती हैं? एक शहजादे की शादी पूरी सल्तनत के लिए नहायत अहमियत की हामिल होती है। क्या तुम एक मामूली खानदान के फर्द की तरह जीना चाहते हो? मैं जैसे भी रहूं उसका फैसला मैं खुद करना चाहता हूं। आप मेरी जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी कर रही हैं? मैं दखल अंदाजी कर सकती हूं, आखिर तुम्हारी मां हूं। यकीन रखो मुझ पे, यह मुनासिब फैसला है तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए। ये मत भूलो कि इस महल में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे रकीब भी हैं। करम खानदान की बेटी से शादी खुशियां लाएगी तुम्हारे लिए। लगता है मेरे एहसासात की अहमियत ही नहीं हुई। मुस्तफा, निगार का क्या बनेगा? बरसों तक हरम की खिदमत करने वाली खातून कैसे अकेली रह सकती है? क्या करेगी, कैसे रहेगी? उसे दोबारा यहां बुला लूं क्या मैं? कितनी अहम खातून हो गई है ये निगार कालफा, अब क्या उसके मसले सुलझाते फिरेंगे हम? इब्राहिम, मतलब जी का पहले ही बंदोबस्त कर दिया, और रही निगार कालफा तो उसे भी कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये बाहर कौन है, क्या कर रहे हैं मुजस्मों के साथ? मुजस्मों की मरम्मत और उनकी देखभाल के लिए बुलाया है। इसके अलावा मैंने इसे एक हुक्म दिया है कि मेरा भी एक मुजस्मा बनाए। इसकी क्या जरूरत पड़ गई तुमको? एक अरसे से मेरी ख्वाहिश थी है। किस्मत में अब होना लिखा था। नहीं इब्राहिम, तुम ऐसा नहीं करोगे, हरगिज नहीं।
इन मुजस्समों के बायस हमारे साथ क्या नहीं हुआ। अब तुम अपना मुजस्मा बनवाओगे तो कयामत आ जाएगी। इस हरकत से सुकून बर्बाद मत करो, गुजारिश करती हूँ। असल में आपके इस तर्ज ख्याल के सबब हमारा सुकून गारत हो रहा है, आपको क्या अंदाजा है इस बात का? मत करो ऐसा इब्राहिम, गलत है ये। और आका क्या कहेंगे? गोश हूं मुस्तफा, इसका मतलब यह हुआ कि वालिदा और माहिदौरा ने आपस में यह मामला तय कर लिया है। दरख्वास्त लेके आया हूं कि इस मामले में मुदाखलत करें आप, क्योंकि इस फैसले में मेरी पसंद शामिल नहीं। तुम्हारा पसंद करना बहुत जरूरी है, लेकिन औरतों का यह फैसला मुझे जरा भी गलत नहीं लगता। आए बेगे खूबसूरत और समझदार खातून है, इसके अलावा गिराई खान की दुख्तर होने की हैसियत से भी तुम्हारे लायक है। लेकिन जज्बाती फैसला ना करो मुस्तफा, समझने की कोशिश करो। वो क्या शादी करे? खामोश। क्या मतलब है इसका? मेरा काम खत्म हो गया क्या? नहीं, बल्कि जिम्मेदारी में इजाफा हो गया है। किसी भी तरह ये रिश्ता रोकना होगा, क्योंकि ये शादी इंतहाई नामुनासिब है। तुम शहजादे को दूर होने का मौका फराहम ना करो, उसे बंद कर लो अच्छी तरह अपनी मुट्ठी में। गुलागा, फरमाइए शहजादी। मुकर्रबे खास महल में है। अपने कमरे में है वो, क्यों पूछ रही हैं? कोई हुक्म है? कोई हुक्म नहीं, मैं मिल लेती हूँ। अगर आप भी यही चाहते हैं तो सोचूंगा। मुझे तवक्का है कि तुम दुरुस्त फैसला करोगे। आका, मेरे फैसले से नतीजा तब्दील होगा कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। इस पर हम बाद में बात करेंगे। आका, शहजादे, लगता है खबर फौरन ही फैल गई है। कुछ देर पहले ही सुना। क्या कहते हो पारगली, तुम्हारे ख्याल में मुनासिब होगा ये रिश्ता? वालदा सुल्तान ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, खुशियों का वसीला होगा इंशाल्लाह। मुबारक हो शहजादे। मुझे इजाजत दें, अपने कमरे में जा रहा हूं। मालकुचो, सुना है आप नहीं जा रही वापस? ऐसा ही है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपना इरादा क्यों बदल दिया। तुम क्या नहीं जानते हो? वालदा ने जाने से रोक लिया मुझे, मेरे मुस्तकबिल का फैसला भी किया है उन्होंने। कैसा फैसला? मेरी जिंदगी का फैसला। शहजादे मुस्तफा के साथ वो शादी कराना चाहती है मेरी। बिरादर मुकर्रम गिराई खान, तस्लीमात के बाद तुम्हारी खैरियत मतलूब है। तुम्हारे लिए खुशियों से भरी एक निहायत अच्छी खबर है। वालदा सुल्तान, क्यों आई हूं यहां पर?
मोहर लगवानी थी इन कागजात पर आपसे। गुलशा, कुछ कहोगे नहीं क्या? मैं क्या कह सकता हूं? जानना चाहती हूं कि क्या एहसासात हैं तुम्हारे। इससे क्या फर्क पड़ता है? शहजादा मुस्तफा मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब रहेंगे आपके लिए। खुशी हुई जानकर मुझे। आप फिक्र ना करें, हमारे दरमियान जो कुछ हुआ हमेशा राज रहेगा, उसे कभी अफशा नहीं करूंगा। बहुत खुश हो रहे हो ना ये बात सुनकर? क्या तुम्हें हालत नहीं दिखती मेरी? दुश्मन लग रहे हैं सब। मैं तो इस गर्दाब से निकलने का सोच रही हूं, मगर तुम होके कैसी बातें कर रहे हो? आप भी तो वापस जाने के लिए मुसलसल इसरार कर रही थी। आप आखिर क्या चाहती हैं मुझसे? समझ नहीं सके मुझे तुम। क्यों जा रही थी मैं, किस लिए भाग रही थी, समझे नहीं तुम। मेरे दिल पर जो बीत रही है मैं उसके इतराफ से गुरेजा हूं। तुम्हारे सामने एहतजाज कर रही हूं मगर तुम समझ नहीं रहे हो। शहजादी, दाया खातून आई हैं। आने दो। आए दाया खातून। निगार काल्फा के मुतालिक सुनकर बहुत दुख हुआ, आपने मुझे आगाह क्यों नहीं किया? मैं माजरत खा हूं, लेकिन आप जो कह रही हैं वो मैं समझ नहीं पाई। निगार को क्या हो गया? नसुआवंदी ने तलाक दे दी, आप नहीं जानती। या अल्लाह, ये मैं आपसे सुन रही हूं। वो तो सारा दिन महल में रही लेकिन कुछ ना बोली। वो बहुत खुददार है, इसी वजह से खामोश होगी। बेचारी, नसुआफंदी ने औलाद ना होने की वजह से तलाक दी। हैरत है, शादी के बाद से तो वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं भी शशतर हूं। दाया खातून, जरा मालूम करें आप, जरूर कुछ है जिसे वो छुपा रही है। फिक्र ना करें बिल्कुल आप, मैं किसी तरह मालूम कर लूंगी। क्या नाराज है मुझसे? आपको इस तरह देखकर अफसरदा हो जाती हूं मैं। सामान बांधो, अपना जा रही हो तुम। ऐसा ना करें आप, कहां जाऊंगी मैं रात के इस पहर? घर से मत निकाले मुझे। मालिक खुद दमीनी थे वह, पाशा फरमानी कर दो। ठीक है, मगर अभी कल शाम से पहले तलाक के मुतालिक सबको बताओगी तुम, और यूं मेरी इज्जत पर लगाया दाग भी धुल जाएगा। चलो तैयारी करो, तुम्हें घर लेकर जाना है। नसुआ अफंदी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे लिए कुर्बानी थी। इंशाल्लाह आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी।
देर ना करो, हमें फौरन चलना होगा। आजकल बहुत मसरूफ है मुस्तफा भाई, वक्त नहीं है उनके पास। बात हुई थी उनसे मेरी, कल हम मिलेंगे। शादी के बाद वो हमें भूल जाएंगे। शादी की बात कैसे जानती हो? मेहमत ने बताया था। नहीं अम्मी, झूठ बोल रही है ये। तुमने बातें सुनी थी ना हमारी? बुरी बात है, ऐसा मत करना दोबारा। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरी दुख्तर, मेहमत, खुश आमदीद। मेरे दिल की धड़कन कैसी हो तुम? आका, अगर भाई शादी नहीं कर रहे तो मैं शादी कर लूंगा आई बेगे से। पहले बड़े तो हो जाओ। मैं बड़ा हो गया हूँ अब, मेरा भी हरम होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा कमरा हो। जब वक्त आएगा तो होगा बिल्कुल। बच्चों बस करो, अंदर जाओ, आका को और परेशान मत करो। क्या कहा आका ने? उन्होंने मुझसे कहा है कि सोचूं उस बारे में। मुस्तफा फिक्र ना करें आप, मेरा फैसला अटल है, शादी नहीं करूंगा आपसे। मुझे तो ऐसा लगा कि कबूल कर लिया तुमने। क्यों इस कदर घबरा रही हैं आप? क्या किसी और को पसंद करती हैं? नहीं, ये नहीं था मेरा मतलब। कभी इस नजर से नहीं देखा ना तुम्हें। तो फिर क्या किरण में आपका कोई इंतजार कर रहा है? ऐसी कोई बात नहीं, मैं दरअसल खिलाफ हूं शादी के, कभी शादी नहीं करूंगी। ऐसी बात ना कहें, कल क्या होगा कुछ मालूम नहीं। कोई क्यों जबरदस्ती करेगा हमारी ख्वाहिश के बगैर? सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। काश ऐसा ही हो। इतना आसान नहीं है बेगे, ये सिर्फ हमारी शादी नहीं है, हमारे खानदानों की शादी है। वो लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। आज मुझसे पहले पहुंच गए मालकोल चोर। हमेशा अकेले ही पियोगे क्या? आज बहुत खुश लग रहे हो तुम। मेरी रूह पर से एक बोझ उतरा है साहब, अब सुकून से हूँ। खैरियत है? खैर ही खैर है, तलाक जो दे दी। सबब पूछ सकता हूँ अगर बुरा ना मानो तो? सबब वो मेरी ख्वाहिश के बावजूद मुझे औलाद ना दे सकी। कोई और सबब तो नहीं है ना? नहीं, और क्या हो सकता है? क्या मालूम। अच्छा खैर, आपको क्या हुआ? बहुत अफसुर्दा नजर आ रहे हैं। अफसुर्दा? इसका सबब जिसके मुतालिक बताया था वो खातून तो नहीं है कहीं? मुस्तफा के मुस्तकबिल का फैसला मैं करूंगा, यही कहा था ना आपने? क्या तुम्हें इसमें शक है उरम? नहीं, लेकिन मुस्तफा की शादी एक बहुत अहम फैसला है। फिर क्यों उसे वालिदा और माहिदौरा की मर्जी पर छोड़ दिया आपने, मैं समझ नहीं पाई। फिलहाल कोई भी फैसला तय नहीं पाया है।
लेकिन मुझे ये बात मुनासिब महसूस होती है। मगर तुम क्यों खिलाफ हो इसके? आई बे के और मुस्तफा की यानी उन दोनों की ख्वाहिश नहीं है मेरे आका। मैं चाहती हूँ कि शहजादे मुस्तफा भी मोहब्बत की शादी करे जैसे हमने की। जो कुछ भी उसके हक में अच्छा हो अल्लाह उसे नसीब करे। आमीन। आ जाओ। अफसुन। शहजादे मोहतरम, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। तुमने भी सुन लिया है क्या? आपकी खुशियों के लिए दुआगो हूं मैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती आपसे। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मुझे मत छोड़िएगा खुदारा, आपके बगैर जी नहीं सकती मैं। अपनी मोहब्बत बांटने पर राजी हूं, कभी मत छोड़िएगा मुझे। डर मत, हम हमेशा साथ रहेंगे। हुरम ने अपनी साजी खुर्रम हौलकाएं बराबर शुरू कर दी होंगी वालिदा। इस शादी के बाद वो मुस्तफा को ताकत पर देखना नहीं चाहेगी। बेसुध है हमारा सोचना। जैसे कि मैंने सुना है आका को भी खुशी हुई है हमारे इस फैसले से। वालिदा, मलिका, शहजादे का पूछा था आपने, इस वक्त वो अफसू खातून के साथ है। अफसू कौन है? आपको बताया था वालिदा, शहजादे को पसंद आने वाली खातून नौरा, दोनों साथ ही शब बसर करते हैं। हाँ, मुझे याद आया। किस बात का इंतजार है? फौरन ही भेज दो उस खातून को। क्या आप क्या कह रही है वालिदा? मुस्तफा को अपने और आपके खिलाफ करना नहीं चाहती मैं। सांप का फन फैलने से पहले ही कुचल देना चाहिए। दूसरी हुरम किसी सूरत में पैदा नहीं करेंगे हम। खजीना, मेरी हमशीरा, उठो। आका, शहजादी ठीक तो हैं आप? पाशा कहाँ है? उनको नीचे देखा था शहजादी, मुजस्मा तराश शंतून के साथ। थोड़ा पानी लिया। आ,
निगार काल्फा। दाया खातून, ये क्या हो रहा है निगार? मुझे तलाक की खबर खजीना सुल्तान से मालूम हुई, तुमने क्यों नहीं बताया? दरअसल आपको बताना चाहती थी लेकिन किसी को अपनी परेशानी में शामिल नहीं करना चाहती थी मैं। मुझे भी नहीं, तुमने ऐसा क्यों सोचा भला? क्या मैंने ये नहीं कहा था कि कोई भी परेशानी हो तो मेरे पास आना? सोचा क्या है, अब यूं तलाक के बाद कैसे जिंदगी गुजारोगी तुम? तलाक हो गई आपको? हाय मेरे अल्लाह, तलाक दे दी इब्लीस ने। पाशा तैयार हो जाए। ठीक है उस्मान, हूर जहां अब आप इन्हें ले जाए। बादाब शहजादी। इब्राहिम, मैंने डरावना ख्वाब देखा है, कोई अच्छी अलामत नहीं। छोड़ दो ये मुजस्मों से अपनी मोहब्बत। शहजादी बच्चों को बहुत भूख लगी, आप उन पर तवज्जो दें। इब्राहिम। शहजादी मैं गुजारिश करता हूँ कि इस बहस को खत्म कर दें, समझे? मजीद हलगान मत करें खुद को और मुझे। चलो शुरू करो आंतोन, दिखाओ अपनी महारत। बेहिस इंसान है वो, क्या जाने मोहब्बत की नरमी, वो सिर्फ मतलब खेलना जानता है, आवारा मिजाज कहीं का। ठीक कर दूंगा मैं उसको। रुको गुलागा। निगार मत रुको, मुझे औकात याद करा दूंगा उस बेगैरत को। फूल जैसी औरत को ऐसे बेआसरा करने का मतलब हिसाब देना होगा हर बात का। कसूर मेरा है आगा, औलाद न दे सके उन्हें वो क्या करते? जहन्नम में जाए वो बदबख्त, उसके लिए औलाद की क्या हैसियत? ये सब सुनकर मेरा खून खौल रहा है, अल्लाह औलाद ना नसीब करे उस गंदे आदमी को। तौबा करो आगा, बद्दुआ ना दो, बुरी बात है। और सुनो, दूसरे भी इस आदमी को हक पर समझेंगे। बताओ क्या होगा, कहाँ रहोगी तुम? उन्होंने तलाक के बावजूद ब्यास्तरा नहीं छोड़ा मुझे, बल्कि घर दिया रहने के लिए। ये रखो, जरूरत पड़ सकती है। कोई जरूरत नहीं है, कह रहा हूँ ना तुम्हें। रहने दो आका, सच कह रही हूँ, कोई जरूरत पड़ी तो सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगी। वादा है ना? वादा। कोई मसला हो तो मेरे पास ही आना, और कहाँ जाऊंगी। ठीक है रख लेता हूँ। शहजादे को तुम्हारे अलावा कोई नजर ही नहीं आती, क्या फूका है उन पर? अफसोस नाम रखा है ना, जाहिर है फसूं किया होगा। उनके सबब मेरा दिल धड़कता है, शहजादे पर मेरी जान भी फिदा। अफसू खातून, सामान बांधो, अपना पुराने महल जाना होगा तुम्हें। क्या कोई गलती हो गई? आखिर क्यों भेज रही है मुझे? मैं तो ये नहीं जानती, वालदर सुल्तान ने हुक्म दिया है, तैयारी करो जल्दी। मुमकिन नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, शहजादे की मंजूर नजर हूं मैं। ज़बान बंद करो अपनी और तैयारी करो। मलिका, मिलना चाहती थी आप मुझसे? क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है? खुसूसी लिबास तैयार होगा तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए मलिका, रहने दीजिए।
आए बिके खातून, एतराज पसंद नहीं तुम्हारा। अब तुम शाही खानदान की दुल्हन बनने वाली हो, जानती हो ना। अपनी पहने ओढ़ने में मुनफरिद नजर आओगी। अपनी पसंद का लिबास मंतखब करो। तुम्हारी खिदमत के लिए कनीजें भी आ चुकी हैं, सब तुम्हारे हुक्म की ताबे होंगी। मलिका मेरी बात समझिए आप, मुझे ऐसा लिबास पसंद नहीं है बिल्कुल। ऐसा नहीं है, तुम पर सजेंगे। तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, बस थोड़ी सी तब्दीली की जरूरत है, उसके बाद तुम मुस्तफा की नजरों में भी अच्छी लगोगी। हाय, तलाक हो गई उसे। वो आदमी हक पर है, जब खातून में ही कमी है तो कमी तुम में। اگه نگر کلفه بیویستایه ده بو اخوان سه چوه مندال بلام اوزله هیچی پی نکرید و دیاره اوشین وکو امه پی کردوه دیاره او کبره هیچی پی نکرد ادب سے بات کرو مجھ سے اگر نسو آفندی کو بتا دیا نا تو تمہیں پاؤں سے باندھ کے الٹا لٹکا دیں گے چس سے پھر دیکھنا سنبل آغا ہاں کہو کس لیے آئی ہو تم یہاں دایا خاتون سے مل کر آئی ہوں مجھے پرانے محل بھیج رہے ہیں آپ کو بتانے آئی تھی کیا گستاخی کر دی پھر سے मेरा कोई गुनाह नहीं है, वालिदा का हुक्म मिला है, जब मैंने पूछा तो कुछ नहीं बताया। अच्छा हुआ, जहन्नम रसीद करेंगे तुम्हें। हटो यहाँ से, वैसे ही तुम्हें देखना नहीं चाहता। आगे बढ़ो, दाया खातून जैसे कहे वैसे करो, चलो। क्या हुआ, किस लिए आ रहे हो मेरे पीछे? माए दौरा सुल्तान ने हमें हुक्म दिया है कि किसी चीज की जरूरत पड़े तो। कोई जरूरत नहीं, समझी अब? जाओ यहाँ से। क्या बात है, आखिर समझ क्यों नहीं आ रहा तुम्हारे? मलिका से क्या कहेंगे, कतई हुक्म है उनका, हमें मुश्किल में न डालिए खुदारा। तुम कह दो मलिका से जाकर, मैं अपने पीछे किसी को देखना नहीं चाहती हूँ। क्या हुआ, उन्हें शक तो नहीं हुआ? नहीं आगा। क्या हुआ फिर से ये अचानक? मुझे भी समझ नहीं आई, खुदारा मदद करे, रोके उन्हें किसी तरह। जो भी कहते हैं करो, कतई इनकार मत करना। मैं हुरम सुल्तान से बात करके इस मसले का हल निकालता हूँ, जाओ। दाया खातून, मुझे बुलाया आपने? आ जाओ बैठो निकल। हाँ, कहाँ रख दिया? हाँ, ये रहा। ये क्या है? करामाती पत्थर, हर तरह के दुख और गम को दूर करता है, खत्म करता है परेशानियां भी। जिसके पास ये होता है वो खुश रहता है। लो इसे, संभाल कर रखना, हरगिज अलग ना करना अपने से। हरगिज रोना मत, दुखी ना हुआ। नसू अफंदी ने तुम्हें छोड़कर बहुत गलती की, तुमसे अच्छी और खूबसूरत कहां मिलेगी उसे, हमेशा दुखी रहेगा। पिछली बातें मत सोचना, ठीक है? अभी जवान हो, एक दिन दोबारा तुम्हारी शादी होगी यकीनन। अल्लाह ताला औलाद से भी नवाजेगा इंशाअल्लाह। दाया खातून, मैं
मैं दवा भी अता की है हर दुख के साथ अल्लाह ताला ने उसकी, बहुत जल्द इस मसले का हल भी मिल जाएगा। मौलाना रूम के मजार चलेंगे, शिफा खाने भी चलेंगे, तुम परेशान ना हो, हमेशा तुम्हारे साथ हूं मैं, किसी का मोहताज नहीं होने दूंगी तुम्हें। आदाब। खुशामदीद मलिका। कैसे हैं पाशा? गुलफाम खातून। पाशा। मेहरमा सुल्तान, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। वो कौन है? क्या कर रहे हैं? अंतोन, ये बहुत ही माहिर मुजस्समा तराश हैं। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। वालिदा, कोई मसला है क्या? जरूरी तो नहीं कि कोई मसला ही हो। इसके अलावा तुम नहीं आते मालूम है, इसी वजह से सवाल पूछा। मुस्तफा के सिलसिले में कोई फैसला कर चुकी हैं क्या आप? मैं ये जानती थी पहले ही कि तुम मेरे इस फैसले के मुखालफत में खड़े हो जाओगे। हरगिज नहीं, बहुत सही फैसला किया आपने, मुझे मुनासिब लगा। मुस्तफा के लिए आए बेगे से बेहतर रिश्ता कोई और हो ही नहीं सकता। खजीना सुल्तान से मिलने के लिए आए थे हम पाशा। अपने कमरे में, जानती ही हैं दोनों बच्चे बहुत तंग करते हैं। मेहरमा आओ चलें। मलिका आप जाएं, मैं आ रही हूं। तो इब्राहिम मुजस्मे बनवा रहे हो तुम? इतने काबिल संग तराश के मिलने पर इस मौके से फायदा उठाना चाहता हूं। आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? जो चाहे करो। बहुत शुक्रिया, नवाजिश की आपने। खजीना सुल्तान ने तुम्हें इसकी इजाजत कैसे दे दी? हैरत है, मालूम ही है मुजस्मे उनको पसंद नहीं। उनसे खुद क्यों नहीं पूछ लेती आप? हाँ, वैसे भी आका की इजाजत के बाद कौन दखल दे सकता है, क्यों ऐसा ही है ना। जैसा भी है जारी रखिए काम, इजाजत दीजिए मुझे। उजरत का एक सबब है, बिल्कुल, क्योंकि मुस्तफा के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हूं मैं। किस चीज से खौफजदा है वालिदा? जब तुम उसकी उम्र के थे उस वक्त क्या हुआ था, मेरी बात समझ रहे हो ना? उस दिन अपने बाबा का भेजा हुआ लिबास अगर तुम पहन लेते और मैं तुम्हें ना रोकती तो इस वक्त हम में से कोई जिंदा ना रहता। आप कहना क्या चाहती हैं वालिदा, खुलकर कहिए। एक माँ का असल फर्ज जो है वो अपनी औलाद की हिफाजत है, लेकिन ये बाप के लिए जरूरी नहीं, खास तौर पर
अगर बेटा तख्त का वारिस हो तो तुम ये खूनी खेल कभी नहीं खेलोगे। मैं जानती हूँ तुम अपनी जात से अपने खून को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। उसकी हबिस में जहन को भटकाने वाले बहुत से लोग होंगे मेरे बेटे, हरगिज मौका मत देना जालिमों को। तुम्हारा किबला तुम्हारा जमीर है, वो तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। आका, वालिदा, मुखिल तो नहीं हुई मैं? नहीं माए दौरा, हमारी बात खत्म हो चुकी है। फरजंद भी शादी के फैसले पर हमसे मुत्तफिक है। फिर मंगनी की तैयारियां शुरू करवा देते हैं फौरन। इंतजार करोगी, पहले मुस्तफा और आई बेगे की रजामंदी की जरूरत है। वो अगर रजामंद ना हुए तो मैं भी नहीं मानूंगा, ये जान लें आप। गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए। हमेशा याद रखें, पहले अपना दिफा करें, दोबारा शुरू करें। क्या इस तरह से? बहुत खूब। तलवार को नहीं, निगाहों में झांको। ठीक है, देखता हूं। क्या हुआ तुम्हें? उनको देख रहा था मैं। तैयार हो तुम? चलते हैं फिर। अफसू को कहाँ ले जा रही हो? खैर तो है गुलशा खातून? जो कुछ भी है तुम दखल मत दो, चलो आगे बढ़ो। यही होना था, और करो हुरम सुल्तान से गद्दारी। अब देख लिया ना अंजाम इसका। पता चला आप लोग यहाँ हैं तो मैं भी आ गई। अच्छा किया आपने, मैं मेहमत के साथ तेगबाजी की मशक कर रहा था। तेगबाजी? वो भी मेहमत से? तुम में हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो ना। हम खवातीन पर तलवार नहीं उठाते, क्यों? ऐसा ही है ना मुकर्रब खास। बजा फरमाया शहजादे। आप दोनों कब शादी कर रहे हैं? कभी भी नहीं। क्या मतलब हुआ? मतलब कि मैं इनसे शाही करूंगा, क्योंकि मैं इन्हें अपनी बहन जैसा समझता हूँ। अबेगी खातून, फिक्र ना करें, मैं शादी कर लूंगा आपसे। कितने बेबाक शहजादे हो, चलो मेरे साथ। अब तो आ गया होगा समझ, मुस्तफा और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं और ना होगा। मेहरमा, बहुत अच्छी लग रही हो, मुझे यकीन है बहुत सो की जान ले लोगी। कैसी हो? ठीक हूँ मलेका, आप कैसी हैं? बता नहीं सकती, इतनी खुश हूँ। मेहरमा, तुम अपने कमरे में जाओ। खुदाफिज मलेका। इसका तुम्हारे पास क्या काम? गुलशा वालिदा की खिदमत में चली गई, इसलिए मालूम ही है हरम में बाएतमाद कनीज का मिलना मुश्किल है। जानती हो ना इसने मेरी जान लेने की कोशिश की। अफसोस,
तुम इसकी हौसला अफजाई करोगी, मैंने सोचा भी नहीं था ये सब। तुम्हें और कितनी बार समझाऊं मैं, मेरा ऐसी चीजों से कोई वास्ता नहीं। शहजादे के मुस्तकबिल के सिवा कोई चीज अहम नहीं। यकीनन तुम्हें मालूम ही होगा कि वो किरम खानदान की बेटी से शादी करने वाला है। जरा ठहरो, इतनी खुश मत हो, बहुत कुछ बदल जाता है आन ही आन में। बेहुदा गोई मत करो हुरम, शहजादे के बुलंद मर्तबे को कोई छीन नहीं सकता उससे। मलिकाओं में सबसे हसीन मलिका। क्या हुआ है? सूरत हाल संगीन है मलिका। वालदा सुल्तान ने महल से निकाल दिया है अफसू खातून को। किसलिए निकाला उसे पता है? पूछा था, उसका कसूर नहीं था। ऐसा क्यों हुआ समझ में नहीं आया। मुस्तफा जानता है ये बात? नहीं मलिका। अब क्या करें, कैसे वापस लाएंगे उस खातून को? हम दखल नहीं देंगे, मुस्तफा को बता दो जाकर, खुद हल कर लेगा। जो आपका हुक्म मलिका। गुलशाह, फातिमा को तैयार करो। खिलवत के लिए क्या? बिल्कुल, फखर होगा मुझे मलिका। तुम पर एतमाद है मुझे, तुम्हें अपनी कारगुजारी दिखानी है, मेरे बेटे को तुमने अपना गर्विदा करना है। मुबारक हो तुम्हें फातिमा खातून, तुम अच्छी रही। हर किसी के नसीब ऐसे नहीं होते, इसकी कदर करो। शहजादे अंदर हैं क्या? आ जाओ। शहजादा मौसम, कौन हो तुम? कनीज हूं आपकी शहजादे में। माहिदौरा सुल्तान ने हुक्म फरमाया था, यानी मलका की ख्वाहिश से आई हूं यहां मैं। गुलागा। फरमाइए शहजादे। अफसू खातून नहीं आई, मैं तो इन्हीं के इंतजार में हूँ। माहे दौरा सुल्तान ने उसे पुराने महल भिजवा दिया है शहजादे, आपको खबर नहीं मिली क्या? उनका बस चले तो वक्त जाया किए बगैर मंगनी करवा दें, आपके बाबा तक भी खबर पहुंचाती होगी, इसलिए कि आका भी रसामंद है। उफ, मैं जानती थी कि यही होना है। बाली साहब से मुलाकात हुई? आई बी के, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं।
मुझे सब कुछ खुलकर बताओ। उनसे मिली थी मगर शहजादा मुस्तफा अगर शादी की पेशकश कबूल करने पर मजबूर हो गए। सही कहा, मुस्तफा जल्द हार मान सकता है आईबे के, आज नहीं तो कल वो कबूल कर लेगा। तुम हर किस्त कबूल मत करना, अपनी किस्मत का फैसला तुम्हें करना है। मैं भला कैसे, मेरे सहन में एक तजवीज है। गुलशा खातून बाहर जाओ। मुस्तफा। गुलशा। क्या हुआ है? अफसू को आपने भेजा है क्या? अफसू कौन? वालिदा। हाँ वो क्रोशिया की खातून, मैंने ही उससे भेजा है। सबब? क्योंकि पसंद नहीं आई मुझे, वो बहुत चालाक है, तुम्हारे लायक नहीं है। उसे यहां देखना चाहता हूं वालिदा, वापस बुलाए किसी भी तरह। उसकी इतनी अहमियत होगी मुझे मालूम नहीं था। अब तो मालूम हो गया ना आपको, हुक्म दे उसे वापस बुलवाए। मुस्तफा। सुंबलागा। शहजादी मलिका। वालिदा कोई हुक्म देना चाहती है। हुक्म कीजिए मलिका।